नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपको हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में आपके लिए ऐसा एक रेमेडी लेके आया हूँ जो आपका नए को आसानी से साफ कर सकते, ना कि केवल साफ करना। जो आदमी नोक बढ़ाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, नोक का ग्रोथ करना चाहते हैं, वो बहुत ही आसानी से ये रेमेडी का द्वारा बढ़ा सकते हैं। जो आदमी नोक रखने का, नेल रखने का शौकीन है, वो बहुत ही जल्दी उसका नोक को बढ़ा पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा और वो अच्छा करके साफ सफाई भी रख पाएगा। सबसे खास बात तो यही है फ्रेंड, जो कैसे जल्दी से जल्दी उसका नोक बड़ा हो जाए। जैसे हमारे जैसे छोटा नहीं, जो आदमी रखना चाहते नोक, उसका बहुत ही जल्दी ये नोक बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं जो रेमेडीज लेकर आऊँ, ये वीडियो को बिना स्किप करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तरह तरह का सामान लगाना पड़ेगा। तो पहले तो एक चीज देखोगे तो पूरा तरह नहीं समझोगे, तो पूरा वीडियो बिना स्किप करके आखिर तक देखना। तो उसका पहले फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कोलगेट लिया हूँ, तो कोलगेट ले लेना, लेके अच्छा करके ब्रश में लगा लेना। आपका नोक को पहले से अच्छा करके धो लेना और जैसे ही दांत में ब्रश करते ऐसे आपका नोक में भी अच्छा करके चार पांच मिनट तक फ्रेंड अच्छा करके घिस घिस के साफ कर लेना। पहले तो आपको साफ करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जहाँ पे आपका ये नोक का जहाँ पे नोक शुरू होता है उसमें ज्यादातर डैमेज रहते हैं, तो वो डैमेज फ्रेंड निकल जाना चाहिए, तो आपको जल्दी जल्दी नोक का ग्रोथ होने का मदद करेगा। और दूसरा बात यही है फ्रेंड, जो वो आपका जो नोक है वो साफ भी हो जाएगा, तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद का जो चीज यूज करना पड़ेगा, वो चीज यूज करने के लिए फ्रेंड पहले तो आपको बहुत ही अच्छा करके साफ कर लेना। तो प्रेस में क्या होगा, आपको जैसे था उसके कई गुना अच्छा दिखने लग जाएगा, पूरा का पूरा डैमेज जो है फ्रेंड इधर से निकल जाएगा। पूरा डैमेज नहीं निकलेगा लेकिन देखने में अच्छा ना लग जाएगा। डैमेज निकालने के लिए और भी क्या करना पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा। तो अब क्या करना, 4-5 मिनट तक अच्छा करके आपका जो नेल है अच्छा करके घिस घिस के साफ कर लेना, तो पहले से तो दिखने में बहुत ही अच्छा लग जाएगा। तो फ्रेंड अच्छा करके साफ कर लेना, धो लेना, धो के फिर उधर से कपड़ा से साफ कर लेना। फिर आप देख सकते हैं फ्रेंड डिफरेंस यहाँ पे दिखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है पहले से। तो अभी दिखना है सिर्फ काफी नहीं है, इसका बाद थोड़ा सूखने देना। सूखने का बाद फ्रेंड यहाँ पे नारियल का तेल लगाना पड़ेगा, आप देख सकते हैं अभी थोड़ा हाथ में ले लेना। फिर आपको इधर अच्छा करके घिस घिस के नारियल का तेल लगा देना। फिर नारियल का तेल क्यों लगाना चाहिए वो आपको बता दे, क्योंकि नारियल का तेल लगाने के साथ साथ आपका नोक जो ज्यादा कड़क हो चुका था वो पूरा नरम हो जाएगा। नरम होने का बाद फ्रेंड ये जो रेमेडी है ये बहुत ही आसानी से काम करेगा और ग्रोथ करने का बहुत ही मदद करेगा। तो पहले तो नारियल का तेल रख देना, चार से पाँच मिनट तक आपको ये लगा के रखना है। तो फ्रेंड ये जो रेमेडी है ज्यादातर रात में यूज करना, क्योंकि रात में सबसे ज्यादा काम करते, ग्रोथ भी सबसे रात में ही ज्यादा होता है। तो ये रेमेडी दिन में एक बार यूज करना और ये जो है ना तो रात में ही लगा लेना। तो 4-5 मिनट इस तरह लगा के रख देना, फिर ये साफ कर लेना। फ्रेंड आप देख सकते हैं 4-5 मिनट रखने के बाद आप ज्यादा भी रख सकते, 8-10 मिनट भी रख सकते, तो और भी अच्छा नरम हो जाएगा, कड़क नहीं रहेगा। जितना नरम होगा उतना जल्दी ये असर करेगा। तो आप देख सकते हैं लगाने के बाद फ्रेंड और एक रेमेडी आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे ये आधा काटा हुआ फ्रेंड नींबू ले लेना और थोड़ा बहुत हल्दी ले लेना इसमें, आप देख सकते हैं। तो हल्दी की कैसे लगाना है इसको, फिर ऐसे हल्दी इसके ऊपर लिपट लेना। देख सकते हैं फ्रेंड हल्दी इसमें आ गया। अभी करना क्या पड़ेगा, ऐसे अच्छा करके आपको घिस घिस के इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, पूरा लग जाएगा नींबू का रस के साथ। फिर हल्दी का आसा मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका अंदर जितना भी डैमेज हो चुका था वो भी भरपाई हो जाएगा, इससे आपका नेक का देखने का कलर भी बिल्कुल आ जाएगा। और दूसरा है ये जल्दी से जल्दी फ्रेंड आपका ग्रोथ होने चालू हो जाएगा। ऐसा करके 4-5 मिनट तक अच्छा करके घिस लेना, क्योंकि अंदर में जितना भी डैमेज था वो डैमेज भी निकल जाएगा और इसका काम करना पहले दिन से फ्रेंड चालू हो जाएगा।
आप थोड़े दिन जाने का बाद यह करोगे, एक हाथ में अगर लगाना चाहते तो दो हाथ का नोक अगर एक साथ में काट लोगे तो आपको पता चल जाएगा जो एक हाथ का नोक कितना जल्दी बड़ा हो रहा है, एक हाथ का नोट कितना धीरे से बड़ा हो रहा है, वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो फ्रेंड एड इज रेमेडी है, आप रात में सोने का टाइम पे यूज करना, रात में एक एक बार करके हफ्ता में मतलब दिन में एक एक बार यूज करना, थोड़े दिन तक यूज करेगा तो आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा। ये हाथ का नोक ज्यादा बढ़ने लग जाएगा लेकिन ये हाथ का नोक बहुत ही कम बढ़ेगा और आपको दिखने में भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आप दोनों हाथ में यूज कर सकते, दोनों हाथ का नोक भी जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा और आपका दोनों हाथ का नोक जल्दी जल्दी से बड़ा होगा। तो फ्रेंड ये था आपका रेमेडी रोज रात में एक बार यूज करना। तो उम्मीद रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।